हे गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी स्कूल स्टूडेंट के लिए, उनके लिए हैक्स मिलने वाले हैं। स्कूल में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन हम बारी बारी से उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के आपको काफी ज्यादा हैंडसम और क्लासी बनाएंगे। आपके हेयर्स के लिए, ग्रूमिंग के लिए, या फिर आपको गुड क्लोथिंग हैक्स, हर एक चीज के बारे में आपको हैक्स मिलने वाले हैं, वो भी बजट में। तो क्या है वो हैक्स, आइए बात करते हैं। एक अच्छी यूनिफॉर्म की फिटिंग होती है आपके शोल्डर से अलाइन रहना चाहिए। अगर आप फुल स्लीव पहनते तो आपकी स्लीव्स आपके रिस्ट से आधी इंच बाहर रहनी चाहिए। बॉटम्स की बात करें तो आपकी जीप अच्छे से बंद होनी चाहिए। आधी जीप अगर खोलेंगे तो आपका अमेजॉन जंगल काफी ज्यादा विजिबल होगा। आपकी थाई से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए। आपका आसन जिससे आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं या फिर बैठते हैं या फिर किसी गेम एक्टिविटीज में जाते हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर ब्रेक्स की बात करते हैं तो आपकी सीट पर बैठने के बाद आपके सॉक्स से ऊपर आपका पैंट नहीं जाना चाहिए। आपको अपना अमेजॉन जंगल बिल्कुल भी नहीं दिखाना। और क्या, जब अपने लौंडे को पनिशमेंट मिलेगी तो आप दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा होगा, जिसकी वजह से उसकी शर्ट्स बाहर निकलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इलास्टिक रैपर राउंड करना है, उसके बाद अपने शर्ट को इन करना है, जिसकी वजह से वो ऑल डे के लिए काफी ज्यादा फिट और स्टक हो जाएगी। मोदी के इलेक्शन से ज्यादा आप लोग अपने अंडरगारमेंट्स में उलझ जाते हैं। आप जब भी शर्ट पहनते हैं तो आपकी ये सीम विजिबल होती है, जो कि काफी ज्यादा बेकार लगती है, या फिर आपको स्वेट आता है तो बहुत ज्यादा विजिबल होता है आपका वेस्ट। उसके लिए सोल्यूशन क्या है, सीमलेस वेस्ट पहने, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, उसमें सीम्स विजिबल नहीं होगी। या फिर एक और सोल्यूशन, आपको ग्रे कलर की वेस्ट पहननी है, जो कि आपके शर्ट को काफी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्व करती है और बाहर शो नहीं होने देती है। वो काफी ज्यादा लाइट होती है, जिसकी वजह से आपकी व्हाइट साइड पे भी पैचेस नहीं पड़ते। बहुत टाइट लड़कियों की जैगिंग जैसी पैंट अगर पहनेंगे तभी भी आपकी सीम्स विजिबल होगी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार इल्यूजन क्रिएट करती है। थोड़ा सा उसको ढीला रहने, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हेयर स्टाइल्स की अगर बात करें तो आपको ऐसी हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं रखनी, जिसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। नेचुरल हेयर स्टाइल रखें, जिस वे में आपका हेयर है उस वे में रखें। ये रहे कुछ सेलेक्टेड हेयर स्टाइल, जो कि काफी ज्यादा रिसर्च के बाद हमने आपके लिए फाइंड की है। इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइल बिल्कुल ना रखें। ग्रूमिंग में ध्यान क्या दें, अपनी बियर्ड, अगर आपको पैची बियर्ड आती है तो पूरा सेव करके रखें, या फिर अगर आपको अच्छी बियर्ड आती है तो दो नंबर पे उसको वीकली सेट करा के रखें। वो साउथ इंडियन के बता जैसी मूछे बिल्कुल ना रखें, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेकार लगती है। अगर घर वाले अलाउ नहीं करते अपने मूछे को सेव करना तो उसको एक नंबर पे सेव करके रखें, जो कि आपको काफी ज्यादा क्लीन और हाइजीनियस लुक देती है। एक्सेसरीज में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है एक ब्लैक कलर के शूज पे। फॉर्मल शूज रहना चाहिए, वो पॉइंटेड या फिर बहुत ज्यादा साइनी शूज सबसे बराती की तरह दिखाता है। सो नॉर्मल सा शूज लें, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। बैग्स की बात अगर कर ले तो आपको ब्लैक या फिर ब्राउन लेदर का बैग लेना है। ज्यादा साइनी, बहुत ज्यादा चमकीला नहीं लेना है, वो बहुत ज्यादा बेकार लगता है। वॉच की अगर बात करते तो आपके शूज कलर से मैच होना चाहिए। ब्लैक कलर की आपको स्लीक वॉच लेनी, बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा स्लीक। सबसे ज्यादा जरूरी क्या, आपकी स्कूल एक्सेसरीज में सबसे ज्यादा जरूरी आपके स्पेक्टिकल्स, आपको मैग्नीफाइंग सनग्लासेस में इन्वेस्ट करना है, जो कि आपके लोगों को काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करके बहुत ज्यादा मैच्योर दिखाते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आपके कॉलर धनिया के खेत की तरह उड़े रहते हैं तो क्या करें, डबल साइडेड टेप अपने कॉलर के बीच में लगाएं और वो अच्छे से सेटल रहेंगे पूरे दिन के लिए। आईब्रोज अगर आपकी बहुत ज्यादा घनी आती, बहुत ज्यादा बेकार लगती है, आप उसको अच्छे से आई प्लकर से हटा दें, अगर आप काजोल के कजिन हैं तो। ये रही हमारी कुछ चीजें जो कि आपको काफी ज्यादा जरूरी थी। मेन चीज ध्यान कर देना, वीक में एक बार आपको अपने फेस स्क्रब करना, जिसकी वजह से टैनिंग रिमूव होगी। बहुत ज्यादा ग्रूमिंग के पीछे मत भागे, क्योंकि आपके स्कूल डेज में कभी भी ग्रूमिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है।